इस टाइम हम डीसी एयर सिस्टम कमिश्नर ऑफिस में आ, ये सब हमारे साथ है हमारी टीम है अभी हमने डीसी साहब से भी मुलाकात की है उनसे भी सो व्हाट अ क्रेजी डे हाँ बहुत ज्यादा आज थकन भी बहुत हो गई काम भी बहुत हुआ लेकिन बड़ा कुछ हो गया हम हाँ। चाहते थे ना अ वेरी फ्रूटफुल डे मतलब ये है कि हमें ये फील नहीं हो रहा कि जाया किया दिन हां नहीं डू वी इट वाज वर्थ इट वर्थ इट वेरी वर्थ इट आज

उन्हें क्या पता उन्हें हाँ नहीं पता। हाँ नहीं क्या नहीं पता? उन्हें खैर हमने हमारी गलती है yes. हमारी गलती है हम रूम में छोड़ के तो देखने चले होगा वो ह्यूमन बेबीज हैं एनिमल बेबीज हैं एनिमल्स का ये है कि वो एडल्ट के भी बेबीज जैसी रहती हाँ. हैं उनमें एडल्टूड नहीं आती मेचोर हो जाते हैं थोड़े वो भी बहुत ज्यादा बड़े होके लाइक आफ्टर टू ईयर्स

भी शेल्टर दिया हुआ है। खैर वापस आते हैं तो पे हम आज गए डीसी ऑफिस डिप्टी कमिश्नर से मिले हम आज असिस्टेंट कमिश्नर से मिले हम आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव मेजर्स वाले से मिले हम आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वो दूसरा मुझे उसके पूरा नाम टाइटल याद नहीं आ रहा उससे मिले हम आज लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर से मिले जो डिप्टी डायरेक्टर था और उन सब ने यूनिमसली यही कहा है कि गवर्नमेंट चाहे वो लोकल हैं या फेडरल डॉग कलिंग वो नहीं कर रहे ये झूठ है ये जो लोग कहते हैं जी महकमे वाले मार गए कमेटी वाले मार गए वो झूठ बोल रहे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं ये उनको पता भी नहीं है और अच्छा मेरे मन में भी बात आ सकती है कि वो भी तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन नहीं वो झूठ नहीं बोल रहे क्यों बोला उनकी वो जो एक नेचुरली एक नेचुरल उनका जो रिएक्शन था ना कि यार हमारे से जान छुटी है शुक्र है मतलब एक्स्ट्रा काम ही है ना मैं जॉब करता हूँ मुझे एक एक्स्ट्रा काम मिला हुआ है जब वो माइनस हो जाएगा ना मैं खुश हूँ लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ जो मेरी इन साइड इंफॉर्मेशन है ना ये चल रही थी चीज वो मैं बताता हूँ क्या है वो एक्चुअली हमें ये हमें बात बताई डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर दूसरे वाला जो जो पहले इंचार्ज था स्ट्रे hmm. एनिमल्स का hmm. जिनसे वो अहदाब ले लिया गया जब से लोकल hmm. गवर्नमेंट्स बनी है उसने बताया है कि हाँ ये करते थे hmm. और ये जान छुड़ाने के लिए करते थे कहते हमने इवन हमने खुद से भी इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की थी हमने उन्हें कहा था कि क्या कहते हैं कि हमें कोई इसका ना मेजर कोई और समझाए कुछ और बताए तो हमारे साथ इवन वेट्स मिले थे तो वेट्स ने हमें कहा था कि नहीं मारना इज नॉट द दल्यूशन आप हमें पकड़ पकड़ के दें हम इन्हें न्यूट्रल करते हैं तो वो कहता है कि आपको पता ही है गवर्नमेंट का हिसाब ना इनके पास नेट्स हैं ना इनके पास डॉग कैचिंग करने के लिए कोई चीज़ है तो वो उनको एक ही हाल आता था कि जिन्हें जहर दे दे के बस मारिए जाओ तो क्योंकि वो वेट्स कहते थे कि हमने पकड़ने नहीं है पकड़ने हमने नहीं है पकड़ के आपने देने हैं हमने सिर्फ उनको न्यूट्रल करके दे देना तो वो बर्थ कर, जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से खैर इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल डे और उसके बाद जनाब हम गार्ड्स uh, कुछ गार्ड्स हैं एक सोसाइटी के मैं सोसाइटी का नाम ले लूं या ना लूं नहीं रहने दो बेइज्जती हो जाएगी हाँ नहीं वो अच्छा नहीं लगता ना लोकल कोर्ट के जाना शुरू हो जाएंगे डायरेक्ट जाना शुरू हो जाएंगे हम लोग तो लीगली गए थे हाँ हम लोग तो लीगली गए थे हम बकायदा वो एक एप्लीकेशन वगैरह लेके गए थे वो एक अलग चीज थी

थिंग इज हम उनके पास गए हमने उन्हें लीगल नोटिस सर्व किया है फर्स्ट एवर लीगल नोटिस जो किसी को सर्व हुआ है हमने उनसे कहा कि भाई आपको जो कहता है उसका नाम पता हमें uh. बताएं हम खुद ही देख लेंगे वी आर लॉयर्स हम हमारे लिए किसी को क्रिमिनली चार्ज करने की कोई कोई हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ना हम रोज जाते हैं वहाँ पे mm. कचहरी में तो इट्स जस्ट लाइक अ होम अवे फ्रॉम अ होम फॉर अस तो वो तो चार पांच एप्लीकेशन के साथ एक और एप्लीकेशन चली भी जाएगी तो बात करेंगे आपको लॉयर करना पड़ेगा तो क्योंकि एनिमल प्रिवेंशन एक्ट है पूरा कोई तो को मजाक नहीं है उसके बाद जो अब हमें एक बंदा मिला जो की एक वेल्डिंग का काम करता है वेल्डिंग की वर्कशॉप स्टील वर्क्स है उसके उसके स्टील वर्क्स का नाम था पता नहीं क्या स्टील वर्क्स ये वीडियो साथ अटैच हुई है आप देखें देख सकते हैं उसको तो स्टील उस वो बंदा जो है जनाब वो कैट्स तो को डॉग्स को खाना खिलाता है टेंस एंड ट्वेंटीज एंड थर्टीज के अमाउंट में कैट्स एंड डॉग्स उसके पास आते हैं खाना खाने और वो खाना खिलाता हमने उसको गिफ्ट दिया

कि पता नहीं ये क्या करने आ गए ये मैंने ऐसा क्या हाँ। किया है वो लिटरली हम उसे कहेंगे कि आप हमारी आके बात सुने तो वो निकल के बात नहीं सुन रहा था हाँ। वो डर गया कि पता नहीं क्या हो गए क्या करने आए हैं मुझे हाँ। क्या कहने आए हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है हाँ। डर तो सारे ऑलमोस्ट सारे गए थे हमसे जब जिस तरह हम फिर रहे थे सारे लॉयर्स तो... अच्छा आज ये सारा कुछ करने के बाद हम लोगों ने जो करना है वो हमने करना ही है हमें क्रेडिट नहीं चाहिए हाँ। लेकिन आज की वीडियो बनाने का एक जो सबसे बड़ा मकसद पता क्या है कि जो लोग ये समझते हैं कि इन लोगों ने करना कुछ नहीं है ये सारी बातें ही है। तो उन लोगों को तक थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि नहीं वी बिलीव इन डूइंग हम सिर्फ बातें नहीं करते हाँ। हैं नहीं। सबसे पहली बात हम लोगों ने डोनेशन वगैरह लेने से पहले या कोई एड लेने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने खुद से काम करना शुरू किया है कि जब तक हमारी एक

करेंगे हम आप लोगों से भी आप लोगों से भी कॉन्ट्रीब्यूट करवाएंगे तो जाहिर एक नोबल कॉज है तो हम लोग आप लोगों से भी डोनेशन लेंगे लेकिन जब आप लोगों को नजर आ जाएगा कि हाँ कुछ हो रहा है हाँ, काम हो रहा है तब हाँ तो हाँ डोनेशन भी अभी, अभी फिलहाल तो हम वी आर प्राउड कि हमें इतना हमारे पास है कि हम अभी अपनी पॉकेट से कर सकते हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं हम कर रहे हैं हम करते रहेंगे अ, तब तक ये मैनेस खत्म नहीं हो जाता सोसाइटी से हम ये काम करते रहेंगे इट्स जस्ट द बिगिनिंग और जर्नी नो मैटर हाउ सक्सेसफुल इट इज वॉज द फर्स्ट स्टेप ठीक है एनी anyway, तो ये तो बस एक छोटी सी डिस्कशन थी हमने जो करनी थी तो स्टे ट्यून्ड विल बी बैक विद मोर पॉडकास्ट इफ यू एनजॉइंग आर डिस्कशन तो डू टेल अस इन द कमेंट आपने पिछली पिछली पॉडकास्ट भी देखी हैं uh, एक बिजनेस रिलेटेड थी एक एडवोकेट जो वादवान साहब के साथ भी थी रिगार्डिंग द लॉज जो एनिमल के लॉज हैं तो so, चले यहाँ से यहाँ पे अपनी डिस्कशन को ख़त्म करते हैं